मॉन्स्टरवर्स की दुनिया का दो सबसे शक्तिशाली विलन लिजी और स्कल क्रॉलर है, जिसकी ताकत की मानो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही काइजू अपने ओपोनेंट को कई बार धूल चटाने में कामयाब रहे हैं। पर क्या होता जब मॉन्स्टरवर्स के ये दोनों ही विलन एक दूसरे के विरुद्ध आ खड़े होते हैं? क्या शक्तिशाली लिजी मार पाएगा स्कल क्रॉलर को, या खून का प्यासा स्कल क्रॉलर लिजी को मारकर अपनी प्यास मिटा पाएगा? तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। पहले बात करते हैं लिजी की, जो कि एक सामान्य सा मगरमच्छ था, लेकिन आसमान से धरती पर गिरे म्यूटाजन के सेवन के कारण इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक विशालकाय दैत्य के रूप में हो जाता है, जिसे नाम दिया गया लिजी। म्यूटाजन के कारण लिजी का आकार 60 फीट ऊंचा हो गया और शरीर के साथ साथ इसे मिला सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और कमाल की बाइट फोर्स। लिजी मगरमच्छ रॉल्फ और जॉर्ज की तुलना में करीब 20 फीट ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर भी है, और इसी वजह से लिजी ने अकेले ही जॉर्ज और रॉल्फ को धूल चटा दिया था। इसकी स्ट्रेंथ का अनुमान इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि इसने मिलिट्री गाड़ियों को किसी खिलौने की भांति उछाल फेंका था, बड़े बिल्डिंग्स को चुटकियों में ही तोड़ डाला था, और इसकी बाइट फोर्स का छोटा सा नमूना हमें तब देखने को मिला जब इसने एक हेलीकॉप्टर के टुकड़े कर डाले, रॉल्फ के सर को धर से अलग कर दिया। इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता हमें इस बात से पता चलता है कि इसने अपने ऊपर गिरे बिल्डिंग को काफी आसानी से झेल लिया था, और जॉर्ज द्वारा हुए हमले से इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि ड्रोन स्ट्राइक और मिलिट्री के एक्सप्लोजिव मटेरियल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। लिजी एक ऐसा विशाल दैत्य है जो है तो काफी भारी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे भागने और चढ़ने में कोई समस्या नहीं होती। अगर बात करें स्कल क्रॉलर की, तो इस दैत्य की पहली झलक हमें देखने को मिली कॉन्ग स्कल आइलैंड में, जो दो पैरों वाला एक बहुत बड़ी छिपकली जैसा प्राणी है। इसके साथ यह स्कल आइलैंड का सबसे खतरनाक प्राणी है, क्योंकि इसके पास है एक शक्तिशाली विशाल पूंछ और एक बड़ी सी जीव। स्कल क्रॉलर के पूंछ में इतनी ताकत है जिसके दम पर इसने एक विशाल कॉन्ग को भी उछाल फेंका था, और इसकी जीव किसी शक्तिशाली वेपन से कम नहीं है, क्योंकि यह चलती चीजों को भी अपने जीव से पकड़कर उसे तुरंत निगल जाता है। लड़ाई के दौरान यह अपने पूंछ तथा जीव दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इसके जबड़े में लगे जानलेवा दांत भी बड़े खूंखार हुआ करते थे, और इसकी ड्यूरेबिलिटी का अनुमान आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि इसने अपने ऊपर कॉन्ग के हर हमले को इतने आसानी से झेल लिया मानो इसे कुछ हुआ भी ना हो। इसकी एजिलिटी की बात करें तो 70 फीट विशाल होने के बावजूद भी ये काफी फुर्तीला है। कई मायनों में तो ये अपनी फुर्ती से कॉन्ग को भी चकमा दे सकता है। इसके अलावे स्कल क्रॉलर की एक बात जो इसे दूसरे काइजू से अलग बनाती है वो है इसका शातिर दिमाग, क्योंकि जब एक सोल्जर के सुसाइड मिशन द्वारा ये स्कल क्रॉलर को ग्रेनेड से उड़ाना चाहता था, तब स्कल क्रॉलर ने तुरंत भांप लिया कि ये इंसान जरूर कुछ गलत करने जा रहा है। इसलिए बिना देरी किए इस दैत्य ने अपनी पूंछ के सहारे इस खतरे को तुरंत फेंक दिया। अपने नाम से ही जुड़े स्कल आइलैंड का ये एपेक्स प्रेडेटर है, जो अपनी शक्ति से कॉन्ग पर भी भारी पड़ रहा था। वहीं इसके विरुद्ध खड़ा रैम्पेज का लिजी एक बड़े शिप को फ्लिप कर दिया था, अपने जबड़े की मदद से मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया था, और काफी आसानी से इसने कई बिल्डिंगों को तोड़ डाला था। इसके अलावा लिजी ने रॉल्फ और जॉर्ज का अकेले सामना किया। वहीं स्कल क्रॉलर भी एक विशाल कॉन्ग को काफी आसानी से उछाल फेंका था, अपने ऊपर हुए कई बुलेट फायर को काफी आसानी से झेल लिया था। मगर जितनी ड्यूरेबिलिटी और बाइट फोर्स लिजी के पास मौजूद थी, शायद स्कल क्रॉलर लिजी के आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि भले स्कल क्रॉलर ने अपने ऊपर हुए बुलेट फायर को काफी आसानी से झेल लिया हो, पर कॉन्ग के द्वारा हुए एक लोहे के हथियार से स्कल क्रॉलर को काफी चोटें आई थी। वही लिजी अपने ऊपर हुए कई एडवांस वेपन का मार झेल चुका है, पर वो अपने स्थिति से टस से मस भी नहीं हुआ। हालांकि फुर्ती की बात करें तो स्कल क्रॉलर काफी फुर्तीला है, मगर आप ही सोचे लिजी के पास है सुपर ड्यूरेबिलिटी, जिसे किसी भी हमले का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके द्वारा हुए हमले को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसने एक ही बाइट में 40 फीट विशाल राल्फ के सर को धड़ से अलग कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब एक स्कल क्रॉलर और लिजी का मुकाबला होता है, तो काफी संभावनाएं हैं कि लिजी इस बड़ी छिपकली को मार डालता। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं।